अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। बेस किचन में आप सबको करती हूँ वेलकम, और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी हों तबीज़ुल्गैरा की हिफ़्ज़-ओ-अमान में हों। और हमेशा की तरह पहले से बात से अपनी रेसिपी को करेंगे स्टार्ट। मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, बेशक दिलों को भी जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लग जाता है, और जब उसे पानी लग जाए। अर्ज़ किया गया, उनकी सफाई किस तरह होया? मौत को कसर से याद करने और कुरान पाक की तिलावत करने से। तो अल्लाह पाक हमें कुरान पाक को खूब पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी प्यारी सी बात के साथ अपनी रेसिपी का करेंगे आगाज़। और आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल सी है, लेकिन बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होगी। मेरे पास है ये मटन का कीमा, इसको तकरीबन आधा किलो है। ये मटन का कीमा मैंने बिल्कुल हाथ का कुटवा लिया, उसको थोड़ा सा मैंने मज़ीद बारीक करवाया है। इसके साथ ही मेरे पास है ये सोया सॉस, हॉट चिली सॉस, और थोड़ा सा मैंने लिया है नमक, थोड़ा सा मैंने लिया है गार्लिक पाउडर, इसके साथ ही मैंने लिया थोड़ा सा जीरा, इसके साथ ही मैंने लिया थोड़ा सा गरम मसाला, एक पिंच मैंने हल्दी के लिए और पिसा हुआ धनिया, साथ ही मैंने लिया है पेपरिका पाउडर, और ये मैंने ली है पिसी हुई लाल मिर्च। इसके साथ मेरे पास है ये मेयोनीज और मायो गार्लिक, साथ ही मैंने लिया केचप, इसके साथ हमने लिया है ये बटर। इसको हम ऑयल के साथ मिक्स करके अपने पैटीज को तैयार करेंगे। उसके साथ ही मेरे पास है ये चीज़ स्लाइसेस, इसको भी हमने ले लिया है, और इसका भी हम अपने बर्गर में इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से हम इस अपनी तमाम स्पाइसेस को इसमें शामिल करके पैटी बना लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी फ्राइंग की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूंगी मेरे पास जाता है सॉल्ट और गार्लिक पाउडर, इसमें ऑनियन पाउडर भी जाता है, आप वो भी आप डाल दीजिएगा। इसके साथ ही मेरे पास है ये ज़ीरा, ये भी इसमें जाएगा। साथ ही मैंने लिया है मेरे पास ये कुटी मिर्चें हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और थोड़ी सी मैंने ली है पेपरिका पाउडर, साथ ही मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, एक पिंच हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला। और इसके साथ मैं डालूंगी इसमें मेरे पास सोया सॉस, टीस्पून लिया था मैंने थोड़ा थोड़ा टेस्ट के लिए, और ये चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस। तो हम इसको करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स, और इसको हम रेस्ट के लिए देंगे टाइम। अगर आप ओवरनाइट रखते हो तो इट विल बी गुड, और अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप उसे एक से डेढ़ घंटा फ्रिज में रखें, ताकि अगर आप मैरिनेशन का टाइम देंगे तो आपकी चीज़ें जायके में बहुत अच्छी बनती हैं। तो हम भी इसको इसी तरीके से एक से डेढ़ घंटा रखेंगे फ्रिज में, उसके बाद हम इसकी पैटी बनाएंगे और हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। और हम इसकी फ्राइंग के बाद इस्तेमाल करेंगे ऑयल का और बटर का। तो हमने ले लिया एक सॉस पैन, और हमने इसमें थोड़ा सा डाला है ऑयल, और थोड़ा सा ही डालेंगे हम इसमें बटर। और जैसे हमारा बटर जो है ऑयल के साथ मेल्ट हो जाएगा, तो हम इसकी पैटी जो है बनाई, चार पैटी हमने अपने बर्गर जमाकर बन के उनके अकॉर्डिंग बनाई थी, इसलिए हमने बड़ी बनाई। तो हमने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें हमने ऑयल भी डाला है, और साथ में हमने इसमें बटर का इस्तेमाल भी किया है, और उसके साथ ही हमने अपनी पैटीज को इसमें फ्राई करने के लिए रख दिया है। और एक साइड से अगर अच्छे तरीके से हमारी पैटी फ्राई हो जाएगी तो हम इसकी साइड को टर्न कर देंगे। मेयोनीज को और मायो गार्लिक को अपने बंस के ऊपर अप्लाई कर लिया है, और साथ ही हमने कुकम्बर को भी बिल्कुल थिन कटिंग करके इस तरीके से हमने बंस कर लिया है। इसके साथ ही हम थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मेरे पास होता है ये केचप, और केचप के साथ हम इसके ऊपर रखेंगे हमारे पास जो था थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ताकि आपको खाने में ज़बरदस्त टेस्ट आए, बहुत लजीज आपको ये लगे। आप लोग भी चाहें तो उस वाले पे जो दूसरा बने उसमें हम सलाद पत्ता भी रखेंगे, और इस तरीके से हम केचप को, मेयोनीज को और मायो गार्लिक को इस तरीके से बंस पे अप्लाई कर देंगे, और इसी के साथ हम इस पे रखें अपने सलाद पत्ते, और उसके बाद हम इसको पैटी पर आपको रख कर दिखाते हैं। पैटी को तैयार कर लिया है, और पैटी को तैयार करने के दौरान हमने इस पे चीज़ स्लाइस भी रख दिया था, और देखें कितना यमी, कितना टेस्टी लग रहा है। साथ ही हमने इसके साथ डिब्बी बनाई है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और अपना रखिएगा ढेरों ख्याल। अल्लाह हाफिज़।